नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो गुलदावरी है इसकी कटिंग्स लेंगे और इनको हम कटिंग से ग्रो करेंगे। अभी सितंबर है तो इसकी कटिंग हम अभी लगाएंगे। दोस्तों मेरे पास दो तीन वैरायटी की गुलदावरी है तो मैं वो दोनों तीनों तरह की लूँगा। ये जो गुलदावरी है ये अलग कलर की है, ये शायद फुल रेड है और देखिए इसके लीव्स जो है वो अलग है और एक ये है इसके लीव्स बड़े हैं तो ये अलग है। तो हम इनकी कटिंग्स लेते हैं। हमें सिर्फ इतनी कटिंग्स लेनी है। ये मदर प्लांट है। ओके दोस्तों, अब हम दूसरी जो वैरायटी है उसकी लेंगे कटिंग्स। जैसे कि ये है, इसके लीव्स देखिए काफी बड़े हैं, इस पे पर्पल कलर के फ्लावर्स आएंगे। ओके दोस्तों, हमने काफ़ी कटिंग्स ले ली है, अब हम इनको ग्रो करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ये कटिंग्स ली है। ये आपको देखने से पता लग रहा होगा कि ये दो वैरायटी है, एक ये वैरायटी है और एक ये है। इसके लीव्स बड़े हैं, इसके छोटे हैं, तो मैं इनको अभी ग्राउंड में ग्रो करूँगा। ओके दोस्तों, तो ये कटिंग्स है, हम इसमें एक छोटी सी क्यारी मैंने बनाई है, इसके अंदर मैं इनको लगाऊंगा। ओके दोस्तों, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम इनको अच्छे से हाथ से इस तरह से थोड़ा प्रेस कर देंगे। ओके दोस्तों, जो हमने गुलदावरी की कटिंग्स लगाई थी वो देखिए अब इन्होंने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। मैंने इनकी ज़्यादा केयर नहीं की, बट मैंने इनको एक ऐसी जगह लगाया था जहाँ पे वाटरिंग ऑटोमेटिक आती रहती थी। मीन्स आगे जब गार्डन में वाटरिंग जाती थी तो इसी साइड से जाती थी, जिसके कारण इसमें वाटरिंग हो जाती थी। तो देखिए जो ये छोटी कटिंग्स हमने लगाई थी इन पे फ्लावर्स आने वाले हैं, तो अब हम इनको शिफ्ट कर देंगे। मैं ये बाकी तो यानी ग्राउंड में शिफ्ट करूँगा, लेकिन एक आपको पोर्ट में लगा के दिखा देता हूँ। और जो ये वाली वैरायटी है इसमें अभी टाइम लगेगा, इसमें नेक्स्ट मंथ में फ्लावरिंग आएगी। इस पे पर्पल कलर के फ्लावर्स आएंगे और उस पे शायद रेड कलर के आएंगे। मैं एक प्लांट निकाल लेता हूँ, ये वाला। ये देखिए इसकी रूट्स अच्छे से ग्रो हो रही है, जो कटिंग हमने लगाई थी। ओके दोस्तों, अब हम इस कटिंग को एक पॉट में लगा देंगे। देखिए इस पे यहाँ पे फ्लावरिंग आने वाली है। दोस्तों इसके लिए मैं एक छोटा पॉट ये यूज़ करूँगा और इसके अंदर जो मैं सोइल यूज़ करूँगा वो ये है। ये सिंपल सोइल है, मीन्स ये गार्डन सोइल है
और ये गोबर का खाद है दोस्तों, गोबर का खाद है, ये अच्छे से तैयार किया हुआ है। तो अब हम इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। गुलदावरी में अगर फ्लावर्स अच्छे से लाने हैं तो उसके अंदर गोबर का खाद जरूर मिलाएं, इससे फ्लावर्स की जो साइज है वो बढ़ेगी और फ्लावर्स में चमक अच्छी आएगी, फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। और आप थोड़े बड़े पॉट में इसको लगाना, मैं सिर्फ आपको ये करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज मैं तो मोस्टली जो फ्लावर्स है वो यहाँ गार्डन में ग्राउंड में ग्रो करूँगा। ओके दोस्तों, ये सोयल मिक्स हमने तैयार कर लिया है, ये हम इसमें फिल कर देंगे। दोस्तों ये हाफ मैंने यहाँ पे डाल लिया है और उसके बाद इस कटिंग को हम यहाँ ऐसे रखेंगे। ये देखिए, और अब बाकी सोयल इसके चारों तरफ डाल देंगे। हल्का सा हम इसको प्रेस कर देंगे। दोस्तों जब इसकी कटिंग्स हम निकालें तो ये ध्यान रखिए कि रूट्स इसकी ज़्यादा डैमेज ना करें। ओके दोस्तों, ये हमने लगा दिया है। इस तरह से हम सबको निकाल के छोटे पॉट में पहले शिफ्ट कर सकते हैं, बाद में बड़े पॉट में, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली बाकी जो बचे हैं उनको यहाँ ग्राउंड में लगा दूँगा लाइन में। दोस्तों अब इसमें हम वाटरिंग कर देंगे। ओके दोस्तों, तो ये हमने इसको यहाँ पे इस पॉट में पॉट कर दिया है, मैं बाकी के भी पॉट कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो अब मैं आपको जो मैरीगोल्ड की सीडलिंग हमने लगाई थी उसकी अपडेट दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, प्लांट्स पूरा बढ़ गया है और इससे फ्लावरिंग आने वाली है, लेकिन हमने कुछ टाइम लेट लगाया था तो अभी प्रॉपर फ्लावरिंग नहीं आई है इन पर। दोस्तों कुछ जो प्लांट्स है उन पर देखिए फ्लावरिंग आ गई है, लेकिन सभी पर नहीं आई है। नेक्स्ट मंथ के सेकंड वीक तक ये सभी ब्लूम कर जाएंगे। दोस्तों इस साइड के जो प्लांट है देखिए उनका साइज छोटा है, इसका एक कारण है यहाँ पे जो धूप है प्रॉपर नहीं आती, बिकॉज ऊपर ये देखिए बड़े प्लांट है तो इनकी शेड यहाँ पे रहती है। बिकॉज मैंने आपको बताया था मैरीगोल्ड को अच्छी धूप की जरूरत होती है, जिससे ये जो फ्लावर्स है वो भी अच्छे से ब्लूम करते हैं और प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ये जो प्लांट्स हैं ये धूप में है तो ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और इन पे सब पे नेक्स्ट मंथ में फ्लावरिंग अच्छे से आ जाएगी। दोस्तों मैं आपको जो मेरे फार्म में मैरीगोल्ड है उनकी अपडेट और दिखाऊंगा। दोस्तों ये देखिए हमारे यहाँ पे जो मिर्ची के प्लांट है, देखिए इन पे मिर्ची कितनी अच्छे से आ रही है। एक प्लांट पे कितनी मिर्च आपको देखने को मिलेगी, एक ये प्लांट है, ये सब हम ग्राउंड में ग्रो की हुई है। और ये मैरीगोल्ड है, ये देखिए दोस्तों, आज यहाँ पे छोटी दिवाली है, मीन्स दिवाली से पहले दिन को यहाँ पे छोटी दिवाली बोलते हैं और कल बड़ी दिवाली है। तो ये सब फ्लावर्स के यहाँ पे कल माला बनाएंगे जो कि पूजा में यूज होगी। देखिए दोस्तों सभी मैरीगोल्ड अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ओके दोस्तों, आप सबको छोटी दिवाली की शुभकामनाएं एंड एंजॉय कीजिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।